हेलो, रंगीला ने हमें फिर धोखा दे दिया यार। हाँ, वो सुराज को लेकर फिर भाग गया। तो अब क्या करें? अब करना क्या होगा, तुम्हें कुछ और दिन वहाँ रहना होगा। और हाँ, उनके घर पर आने वाले हर फोन पर कड़ी नजर रखो। ओके, बाय। किससे बात कर रही थी? वो मेरी सहेली थी। श्योर? जी, आपको तो हर एक पे शक होता है। देख भाई जुल्ली, अगर शक की बुनियाद मजबूत ना हो ना, तो मुझे उन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। और रही तेरी ये प्यार की अदा, प्यार से बात करने की जो बात है ना, तो तू रॉन्ग नंबर डायल कर रही है। थापा? जी सरकार। इसका फोन टेप किया? नहीं किया। क्यों, तेरी बाबू लगती है? नहीं, अगली बार कर लूंगा, ऐसा लगेगा दो बार किया। नहीं करेगा तो दो बार मारूंगा। कमाल है, शर्म नहीं आती मैडम आपको? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? आपका पति उधर किडनैपर्स के पास परेशान घूम रहा होगा बेचारा, और आप गाने गा रही है, बाढ़ सवार रही है। अरे आप औरतों के अंदर प्यार नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? जब वही मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं उनसे प्यार क्यों करूं? तो फिर ये सजना सुवरना क्यों? तुमने भी कोई और आशिक पटा लिया के? जी नहीं, ये मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। एनी प्रॉब्लम? ये फोन भी गलत टाइम पर आ गया, यही प्रॉब्लम है बस। हेलो, एडवोकेट जयदेव बोल रहे हूँ भाई जी। हाँ वकील साहब बोलो। थारी पत्नी ने थारे पे तलाक और हर्जाने को दावा किया है। वकील साहब आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। नंबर तो ठीक है, थे पिछले 6 महीने से अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। अबे छोड़ नहीं रखा है, पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, टाइम नहीं दे पाता हूँ। और सुन, एक बस सुन जान साहब, अगर अपने पैसे बनाने के चक्कर मेरी पत्नी को बहकाने की कोशिश की तो मैं पुलिस पकड़ लूंगा। अबे 2-3 दिन में मैं उसे घर लेके आऊंगा खुद, एक केस में उड़ जाऊंगा। अब नहीं हो सकता, तलाक और जाना तो देने उठ पड़ेगा। अबे तलाक की बात मत कर तू। साहब तलाक बहुत बुरी चीज है, एक बार होता है तो लगता है दो बार हो गया। अबे चुप, तेरे पति के चक्कर में मेरी अपनी घरवाली ने तलाक दे दिया मेरे को। तो क्या हुआ, पुरानी चली गई है तो नई ले आइए। अरे बोर आ गई है क्या, सबको अपने जैसा समझ रखा है क्या? बहुत प्यार करता हूँ अपनी पत्नी से मैं। कमाल है, मेरे ख्याल से आप दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जो अपनी बीवी से प्यार करते हैं। लो कर लो बात। अरे मेरी पत्नी को देखेगी तो दंग रह जाएगी, चांद का टुकड़ा एकदम। हरियाणा में ऐसी कोई भी नहीं है। और मालूम है तेरे को, वो गोबर के उपले थाप रही थी और मैं ट्रैक्टर पर इधर से आ रहा था, थोड़ा सा घूंघट खुला हुआ था, आधा चेहरा दिख रहा था चांद जैसा, पहली नजर में देखा और प्यार हो गया। गोबर से? गोबर से, शन्नो, शन्नो नाम है उसका। और मालूम है उसी वक्त मैं उसके घर गया और बोला शादी करनी है और लेके आ गया। उसी की वजह से तो मैं पुलिस ऑफिसर बना हूँ और देखो आज। हाँ? उसकी वजह से? अब वो कैसे? वो कैसे क्या, वैसे देखा जाए तो मेरे पास हजारों बीघा जमीन है, जहाँ तक नजर डालो खेती खेत, जमीन ही जमीन, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। पर नहीं, एक बार शन्नो के मुंह से निकला कि मुझे ना जो देश के ऊपर निछावर होते हैं, फर्ज निभाते हैं, वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं पुलिस में जाऊंगा और मैं पुलिस में आ गया। और देखो आज छोकरी की वजह से नौकरी की और नौकरी की वजह से छोकरी जा रही है। वो छोकरी का चक्कर है। चुप चुप। अब तू बोलेगा कि छोकरी का चक्कर एक बार होता है तो ऐसा लगता है दो बार होता है। एक तो इसके पति का चक्कर समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है 100 बार हो गया। इसके पति का चक्कर सुलझा लूं फिर देखता हूं इस वकील साहब को मैं। एक तो किडनैपर भी समझ में नहीं आया, सड़क कहां जाकर सो गया।